दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पहले वात रोग यानी हड्डियों के जोड़ों की या शरीर में कहीं भी दर्द होने की शिकायत सिर्फ और सिर्फ बुढ़ापे में होती थी, लेकिन आजकल ये मानिए कि 30 साल का होते होते उसके शरीर में जकड़न शुरू हो जाती है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और वो 40 और 45 साल के होते होते एकदम से बीमार हो जाते हैं। उनके जोड़ों का दर्द होना, कटकट की आवाज़ आना, मांसपेशियों का दर्द करना ऐसे आम बात हो जाती है, क्योंकि वो 8-8, 10-10 घंटे लगातार कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। उनकी निगाह भी एक जगह टिकी होती है तो पूरा शरीर बिल्कुल नहीं हिलता, और जब शरीर मूवमेंट में नहीं होगा तो ये रोग आपको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। जो सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं या थोड़ी देर के लिए कसरत वगैरह करते हैं तो उनको ये रोग बहुत कम होते हैं। तो हम इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, बहुत ही गजब का नुस्खा है। नाश्ता का नाश्ता और नुस्खा का नुस्खा, आप खुश हो जाएंगे इस नुस्खे को सुनते हुए। जैसे ही मैं बताऊंगा आप खुश हो जाएंगे कि वाह क्या नाश्ता बताया और साथ में दवाई भी बताई है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 100 ग्राम खसखस ले लेना, यानी 100 ग्राम उसको साफ कर लेना, खसखस को साफ कर लेना। साथ में चीनी लेना है आपको, 100-150 ग्राम स्वाद के अनुसार चीनी ले लेना, और 200 मिलीलीटर आपको दूध लेना है। उसके बाद में आपको 15-20 बादाम ले लेने हैं, बादाम, और बिलोने का घर का घी कहीं से भी लाओ, आप ले आओ आपको मिल जाएगा, तो 150 ग्राम आपको घी ले लेना है। अब ये पांचों चीज आपके लिए नाश्ता भी बनेगा और दवाई भी बनेगी, मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है कि खसखस को पहले 4-6 घंटे के लिए भिगो देना है। जब ये भीग जाएगी तो इसको आप ग्राइंड कर लो, सिलबट्टा भी पीस लो, अच्छी तरह इसको पीस लो, यानी एक एक दाना टूट जाना चाहिए और बहुत जल्दी ये एक पेस्ट बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा दूध डाल दो आप तो और भी जल्दी आपका पेस्ट बहुत बढ़िया बनेगा। अब आपको क्या करना है कि घी कढ़ाई में डालकर उसमें इसको भूनना है, खसखस को, और बादाम भी इसके अंदर डाल देवे, वो भी पीस कर डालने हैं, साबुत नहीं डालने, वरना कटिंग करके भी आप डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बादाम को कटिंग करके डाल सकते हैं, वो भी खसखस भुन जाए तब डालने हैं। तो खसखस को हल्की भूरी होने तक उसको घी में मंद आंच पर पकाएं। जब मंद आंच पर पक जाए तो इसके अंदर आप कुछ देर दूध मिलाकर चलावें, और इधर आप चीनी की चाशनी बना लेवें, चाशनी बना के वो चाशनी भी अंदर डाल देवें, और तब तक हिलावें जब तक कि हलवे की तरह गाढ़ा नहीं हो जाए। अब जो आपके पास में छोटी इलायची यानी हरी इलायची जो है, उस इलायची को कूट के पाउडर बना लो और वो भी हलवा तैयार होने के बाद में उसके ऊपर डाल दो, मिला लो, और अब आपका ये नुस्खा तैयार हो गया। आप इसको फ्रिज में 7 दिन तक रख सकते हैं और 7 दिन खराब नहीं होगा। आप 7 दिन इसको यूज करना, रोजाना सुबह उठते ही आपको नाश्ते में यही चीज लेनी है, दूसरी चीज नहीं लेनी है। आप इस नुस्खे को 7 दिन आजमाएंगे ना, इतने में आपको पता चल जाएगा कि आपकी हड्डियां मजबूत हो रही है, लोहे जैसी मजबूत हो जाएगी हड्डियां आपकी, हड्डियों में दर्द होगा वो खत्म हो जाएगा, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा, आपके जो बदन दर्द करता है, जो मांसपेशियां दर्द करती है, कमर का दर्द कईयों की इतना भयंकर होता है कि वो उठते उठते 10 मिनट का समय ले लेते हैं,
तो उनके लिए ये 7 दिन खाएंगे ना, तो इतने में उनको पता चल जाएगा कि नुस्खा कितना कारगर है, नाश्ता का नाश्ता है, दवाई की दवाई है। इस नुस्खे को आप बनाना और खाना और मुझे बताना कमेंट करके कि आपके शरीर में कितना फायदा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।